अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्न उत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड में किन वेब सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है? ए पाताल लोक, बी स्वर्ग लोक, सी नर्क लोक या डी शहीद। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले न्यूज नोटिफिकेशन तुरंत। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का सीएस ने किया निरीक्षण। रंगरा से लौटने के वक्त भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली और वार्ड लेबर रूम के अलावा आपातकालीन कक्ष की स्थिति से भी रूबरू हुए। सीएस ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण में सब कुछ संतोषजनक पाया गया। जांच में सर क्या क्या कमी पाए सर? जांच में दो डॉक्टर नहीं है यहाँ, एक वो कमी मिली और बाकी और इधर लेबर रूम में गए और लेबर रूम का वार्ड जो है लेडीज वार्ड उसमें गए तो सब कुछ ठीक है, सफाई वफाई ठीक है। लेडीज लोगों से पूछा गया तो वो लोग सेटिस्फाइड ही हैं। हाँ, एक ने कहा कि खुशी में लड़का हुआ है तो खुशी में हम किसी किसी को पैसा दिए हैं, बातें हैं, ये सब होता है। लेकिन हाँ, वो किसी स्टाफ का नाम नहीं ली तो। और कुल मिला मुख्य कारण सर आने का, सबके आने का सर मुख्य कारण? सर नहीं, मुख्य कारण है कि वो आपको स्टेट लेवल से ही सब पूरे बिहार में ये जांच आज चल रहा है जी, समझे। वो सिविल सर्जन जा रहे हैं कहीं कहीं, वहाँ से कुछ पॉइंट सब आया है, उस पॉइंट उसी सब पॉइंट को जांच करना है, जिसमें मेन है आपको स्टोर का, ये स्टोर को देखिए, इसमें एक्सपायर दवाई तो नहीं है, ये सब नहीं है, तो ये सब नहीं मिला है। और फिर रजिस्टर ठीक से मेंटेन हो रहा है कि नहीं, इंडेंट हो रहा है कि नहीं, कितनी दवाएं हैं, दवाई का लिस्ट टंगा हुआ है कि नहीं, डिस्प्लेड है कि नहीं, ओपीडी का, आईपीडी का, तो वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सब डॉक्टरों की कमी है क्या? डॉक्टरों की कमी से डेंटिस्ट जो अभी एक हफ्ते से उनके बारे में कुछ सवाल पूछा जाएगा, डेंटिस्ट एक हफ्ते से नहीं है तो क्यों नहीं है उनसे पूछा जाएगा। डेंटल चेयर आ गया है, अभी तक उसका काम शुरू नहीं हुआ है। एक्सरे के बारे में सर, कि प्राइवेट एक्सरे चल रहा है अभी? प्राइवेट एक्सरे चल रहा है, अभी चलेगा, लेकिन सरकार जो है सो यहाँ पर भेज रही है, अपना गवर्नमेंट का एक्सरे भेज रही है जी। वो जो है सो डिजिटल आएगा जी, तो डिजिटल आएगा और अपना एक्सरे टेक्नीशियन हम लोगों को है, तो जब वो आ जाएगा तो इसको हटा देना। जगह है सर यहाँ पर्याप्त मात्रा में? हाँ, जगह पर्याप्त है, जगह तो बहुत सारा रूम खाली है, और इनको हमने और कह दिया है कि उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसको इंस्टॉल करने के लिए, तो इन लोगों को खबर है पहले से जी, तो उसके अनुसार यहाँ जगह है, हमने भी देखा है। सर ये आरोप बार बार आए जा रहे हैं कि सामने जैसे कि कहा जाता है कि ये सुई लगवा लीजिए एक्स्ट्रा और ये दवाई खरीद लीजिए बाहर वाले दुकान से सामने, ये इसके बारे में सर कुछ कह रहे हैं? सर कौन कहता है सर? बार बार आरोप आया जाता है कि हाँ डॉक्टरों के द्वारा या अंदरों कहा जाता है कि मरीजों को ये आपको सरकारी अस्पताल में दवा जो उपलब्ध है वो तो मिलता ही है और स्टोर में ही हम बैठे हुए हैं, देख रहे हैं सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन सारी दवाइयाँ कहने के बावजूद भी हर बीमारी की दवा कभी कभी नहीं उपलब्ध होगा, तो वो दवा हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको भी मंगा के दें, लेकिन कभी कभी हो सके वो दवा खरीदना पड़ता। ठीक है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन,
जीरो माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल का सीएस ने किया निरीक्षण। रंगरा से लौटने के वक्त भागलपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली और वार्ड लेबर रूम के अलावा आपातकालीन कक्ष की स्थिति से भी रूबरू हुए। सीएस ने कहा कि अनुमंडलीय अस्पताल के निरीक्षण में सब कुछ संतोषजनक पाया गया। नवगछिया, योगदान के बाद बोले थाना अध्यक्ष, विधि व्यवस्था एवं क्राइम कंट्रोल होगी पहली प्राथमिकता। नौगछिया टाउन थाने में नए थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने गुरुवार को अपना योगदान दे दिया है। नए थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने कहा कि क्राइम कंट्रोल एवं विधि व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही थाना क्षेत्र में सुरक्षा जांच अभियान तेजी से किया जाएगा। उन्होंने आम लोगों से विधि व्यवस्था के संधारण में पुलिस को सहयोग करने की अपील की है। वहीं नौगछिया टाउन थाने में नए थानाध्यक्ष के योगदान दिए जाने के बाद शहर के लोगों में एक बेहतर पुलिसिंग की उम्मीद है। मालूम हो कि शैलेश कुमार इसके पूर्व मुंगेर जिले में पदस्थापित थे। दिसंबर माह में ही उन्होंने नौगछिया पुलिस जिले में अपना योगदान दिया है। सुंदरम अहुना मटन, बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट, अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। नवगछिया में बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की आशंका, एक के बाद एक सामने आ रहे मामले, लापता होने के बाद नहीं होती है बरामदगी। नवगछिया अनुमंडल में इन दिनों बच्चा चोर गिरोह के सक्रिय होने की आशंका है। इन दिनों इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही है, लेकिन पुलिस ऐसे मामले में कुछ भी कर पाने में असमर्थ है। ऐसे गिरोह के सदस्य ज्यादातर अबोध बच्चियों को अपना निशाना बनाते हैं। विगत एक वर्ष में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें कुछ ही पुलिस के संज्ञान में, तो अधिकांश मामले में पीड़ित रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करा पाए हैं। बताते चलें कि 18 अप्रैल 2020 को इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के मंजुला देवी और राजकुमार यादव की 4 वर्षीय पुत्री श्रेयांशी कुमारी अपने घर के पास चौराहे पर खेल रही थी। एक ब्लू रंग की बाइक पर सवार होकर एक युवक आता है और पहले बच्ची को कुरकुरे नमकीन देकर दोस्ती बनाता है और कहता है कि चलो तुम्हारा मामा आया। यह कर बच्ची को उठाकर अपने मोटरसाइकिल पर बैठा लेता है और भाग जाता है। साथ ही खेल रही बच्चियों ने जाकर तुरंत घटना की सूचना बच्ची की मां मंजुला देवी को देती है। मंजुला दौड़कर चौहारे पर आती है तो उसे भी बाइक सवार को बच्ची को लेकर भागते देखा। वह बाइक के पीछे भागी, लेकिन तब तक बाइक काफी दूर जा चुका था। मंजुला देवी पुलिस में गई, शक के आधार पर कुछ ग्रामीणों को नामजद भी किया। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई तो की, लेकिन बच्ची आज तक नहीं मिली। वहीं केस दो, यह कहानी इसी माह 18 दिसंबर 2020 की है। परबत्ता थाना क्षेत्र के जपतेली गांव की उषा कुमारी और बिरबल राम की महज 3 वर्षीय पुत्री सृष्टि कुमारी अपने घर के पास से ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। उषा कुमारी का कहना है कि वह सृष्टि के टीकाकरण का कार्ड लेने स्वास्थ्य उपकेंद्र गई थी और अपनी 3 वर्षीय बच्ची को पड़ोस के ही कुछ बच्चों के निगरानी में खेलने छोड़ दिया था। जब लौट कर आई तो सृष्टि गायब थी। बच्चों से पूछताछ की तो कुछ पता नहीं चल पाया। केस स्टडी 3, कदवा ओपी थाना क्षेत्र के प्रासपुर में 22 दिसंबर को कुछ कथित मवेशी व्यवसायी आए। गांव के ही कनिक सिंह का पुत्र राजकुमार मध्य विद्यालय परिसर में खेल रहा था। दो कथित व्यवसायी ने राजकुमार को बहला फुसला कर अपनी गाड़ी में बैठा लिया और मधेपुरा के किसी अज्ञात स्थान पर उसने कहा कि तुम यहीं रहो, काम धंधा करो, पैसा भी देंगे, अच्छा खाना भी देंगे। लेकिन बालक होशियार था, वह अपहर्ताओं के चंगुल से किसी तरह भागकर मधेपुरा के फूलपुर पहुंचा और वहां से किसी व्यक्ति की सहायता से अपने घर फोन किया। पूछे जाने पर नौगछिया SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि पुलिस के संज्ञान में जो भी मामले में बच्चों के गायब होने की स्थिति की जानकारी मिली है सब अलग अलग है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है, जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाए। नवगछिया, मास सिकिंग में 68 लोगों एवं 3 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी विश्राम के निर्देश पर पुलिस जिला के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 68 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 3400 रुपए जुर्माना वसूला है। इस दौरान 3 वाहन चालकों से 3000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया है। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही,
कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया अंतिम चरण में। गोपालपुर प्रखंड में पटना उच्च न्यायालय के निर्देश के आलोक में शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जोर शोर से की जा रही है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विजय कुमार झा ने बताया कि अंतिम मेधा सूची 26 दिसंबर को जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्नातक ग्रेड में 19 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इन पदों पर नियुक्ति हेतु 397 आवेदन प्राप्त हुआ है। बेसिक ग्रेड के कुल 39 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। कुल 2411 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने बताया कि औपबंधिक मेधा सूची जारी कर दी गई है। प्राप्त 487 आपत्तियों का निराकरण ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि प्रमुख प्रखंड नियोजन समिति के अध्यक्ष, बीडीओ सदस्य, सचिव व बीओ सदस्य सह नोडल पदाधिकारी, उप प्रमुख व जेएसएस सदस्य नियोजन समिति के हैं। उन्होंने बताया कि पारदर्शी तरीके से शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित होने पर आर्या कश्यप को नौगछिया एसपी ने दी बधाई और शुभकामनाएं। नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड 2021 के लिए नौगछिया स्थित बनारसीलाल सराफ कॉमर्स कॉलेज की एनएसएस छात्रा आर्या कश्यप के चयनित होने पर नौगछिया एसपी स्वप्नाजी मिश्राम ने अपने कार्यालय कक्ष में आर्या कश्यप को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह नौगछिया के लिए बहुत ही गौरव की बात है। इस पिछड़े इलाके की छात्रा का चयन दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया बाजार की बेटी तृप्ति हरनाथका ने SBI की परीक्षा में मारी बाजी। नौगछिया बाजार की बेटी तृप्ति हरनाथका ने SBI की परीक्षा में बाजी मार ली है, जिसका परीक्षा परिणाम 24 दिसंबर की संध्या को आया है। इसके लिए परीक्षा 31 अक्टूबर को हुई थी। रिजल्ट आते ही समाज से बधाइयां देने वालों का तांता लग गया। क्या नाम है आपका? तृप्ति हरनाथका। अच्छा, पापा जी का नाम? श्री जगदीश हरनाथका। और मम्मी का? श्रीमती निर्मला देवी। अच्छा, ये आपकी रिजल्ट बैंकिंग की आई है। कब एग्जाम हुआ था इसका? इसका मेंस 31 अक्टूबर को हुआ था। अच्छा, उसके बाद रिजल्ट आया। कब आया रिजल्ट? आज थोड़े पहले शाम में। हाँ, क्या उसमें रिजल्ट आया है अभी? SBI क्लर्क का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट। अच्छा, उसमें कोई रैंक वगैरह भी है? नहीं, इसमें रैंक नहीं है। अच्छा, रोल नंबर आता है और जो जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं उनके रोल नंबर आ जाते हैं। तो आपने इसकी तैयारी कहाँ से की थी? मैं तैयारी ऑनलाइन ही की, घर से। घर से? कितने दिन तक इसकी तैयारी की आपने? इसकी तैयारी 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल? हाँ। कहीं कोई कोचिंग सेंटर या कहीं कोई बाहर की कोई हेल्प नहीं लिए? स्टार्ट शुरुआत में मैंने कोचिंग सेंटर से भी की थी, उसके बाद कितने दिन? 3-4 महीने। अच्छा। फिर मैंने ऑनलाइन ही पढ़ाई की। ऑनलाइन पढ़ाई की घर पर ही? हाँ। आपने जो ये पढ़ाई जो की बैंकिंग के लिए, किससे प्रेरणा मिली आपको? क्या सोच के आप कैसे शुरू किए इसको? अपने परिवार वालों को ही देख के ही प्रेरणा मिली मुझे। अच्छा। अपने परिवार के बड़े लोगों को देख के मुझे प्रेरणा। ये जॉब आपको अच्छा लगता है? हाँ, मुझे पसंद है। ढोलबज्जा में राशन कार्ड धारियों के बीच बांटे गए 750 ग्राम चना, लाभुकों ने किया जमकर हंगामा। गुरुवार को ढोलबज्जा में राशन कार्ड धारियों के बीच चना का वितरण करने आए नौगछिया तेतरी वसीरीपुर से डीलरों उपेंद्र यादव, सुबोध कुमार राय के सामने ही वहां के लाभुकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा कर रहे लाभुकों का कहना था कि वितरण करने आए डीलर बिना किसी जन वितरण प्रणाली की दुकान पर आए ही सेवल यादव के बसावटों पर चना वितरण करने लगा, जहां 770 ग्राम ही चना राशन कार्ड धारियों को दिया जा रहा था, जिसको लेकर लोगों ने जग हंगामा करना शुरू किया तो वितरक यहां से वापस भाग निकले। अभी भी सैकड़ों लाभुकों को मिलने वाले प्रति 1 किलोग्राम चना से वंचित हैं। वहीं उक्त बातों को लेकर MO से संपर्क करना चाहा तो उनसे बात नहीं हो पाई। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ
स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। रंगरा बैंक ऑफ इंडिया ने लगाया लोक अदालत। रंगरा प्रखंड मुख्यालय परिसर में बैंक ऑफ इंडिया के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में एक दर्जन से अधिक ऋण संबंधी मामले में बैंक और ग्राहकों के बीच सहमति बन जाने की जानकारी दी गई। रंगरा के सीईओ आशीष कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना काल के समय बैंक का एनपीए काफी बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में बैंक से ऋण लेने वाले लोगों को ऋण चुकता करने के लिए शिविर में प्रोत्साहित किया गया है। अंचलाधिकारी ने कहा कि आए दिन इस तरह के शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिविर में रंगरा के प्रखंड विकास पदाधिकारी वीरेंद्र कुमार, अंचलाधिकारी आशीष कुमार, थानाध्यक्ष मेहताब खान सहित कई अन्य मौजूद थे। सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन, नवगछिया, स्टेशन चौक, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब वही मार्ट है आपके लिए तैयार। वी मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। वी मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बूफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। कोमल होटल, स्टेशन चौक, नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट, मुर्गा, मछली, अंडा सहित सादा भोजन, रोटी, चावल, पनीर, तड़का, दही, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट, नवगछिया का कोमल होटल। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस, फुलडोभी गेराबाड़ी, कटिहार, नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर, राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।